अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लास्ट सीन कोई भी नहीं देखे तो टेंशन मत लीजिए, किसी का बाप भी नहीं देख सकता। तो इसे समझने के लिए और सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लेना है। जब व्हाट्सएप ऐप खुल जाए तो 3 डॉट पर क्लिक करके हमें सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद हमें प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद हमें लास्ट सीन एंड ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्टेशन दिखेगा। यहाँ पर जा करके पहले से ही मेरा क्लिक है, फिर भी इसी पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट लगेगा दोस्तों, सर्चिंग ले रहा है। इसके बाद हमें इस कॉन्टेक्ट में से जैसे कि 1 2 3 4 4 को मान लीजिए मैंने उसके कॉन्टेक्ट में सेव कर लिया, जिसे मेरा लास्ट सीन नहीं दिखेगा। उसका सही के निशान पर दबा देना है। सही के निशान पर दबाने थोड़े देर अप टू डेटिंग ले रहा है दोस्तों, तब तक के लिए थोड़ा सा अप टू डेट ले रहा है। अप टू डेट लेने के बाद हो गया। देखिए दोस्तों अभी 3 के बाद 3 लोगों को मैंने किया था, उसे चाहे तो हटाने के लिए फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है और वहीं से जा करके अनसिलेक्ट कर फिर से उसे सही कर देना है। फिर से उसे सही के टिक पर मार देना है। अब एक रह गया, उसको रहने दीजिए। अगर चाहते हैं कि आपका लास्ट सीन किसी को भी नहीं दिखे, यहाँ पर सिंपली आना है तो नो बॉडी कर देना है। और सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट वाले को चाहते हैं तो यहाँ से माय कॉन्टेक्ट वाले को नहीं दिखे, जो आप माय कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर दीजिए तो आपके कॉन्टेक्ट में जो जो लोग हैं उसे लास्ट नहीं देखेगा। अगर किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई को भी नहीं देखेगा।